गाइज, अगर आपको अपनी कार के लिए एक चार्जर लेना है और अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट्स पर जाओगे ना, तो आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा वाला लेना सही रहेगा, ये आपको समझ में नहीं आता है। तो आज का ये वीडियो ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैंने अमेजोन से परचेज कर लिया है सबसे बेस्ट जो कार चार्जर होने वाला है, सबसे बेस्ट प्राइस के अंदर, बेस्ट फीचर्स इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। कौन से ब्रांड का, ये आपने ऑलरेडी थंबनेल टाइटल में देख लिया है। कितने प्राइस में मैंने इसे खरीदा है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले इसे अनबॉक्स कर लेते हैं, फिर इसे टेस्ट कर लेंगे कार पे लगा के, दिखा दूंगा कैसे चार्ज लेता है और क्या क्या इसके अंदर आपको फीचर्स मिलते हैं। तो अगर आपको अपने कार्स के लिए, अदर व्हीकल्स के लिए एक अच्छा फास्ट चार्जर लेना था ना, तो आज का ये वीडियो ना आपको जरूर लास्ट तक देखना चाहिए। गाइस, मेरा नाम है निमेश। अगर आप चैनल पर नए आए हो ना, सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर मैं आपके लिए इसी तरीके के इंटरेस्टिंग गैजेट्स की वीडियोस लाते रहता हूं। चलो गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो गाइस, फटाफट से इसे अनबॉक्स कर लेते हैं, फिर इसके रिव्यू पर आते हैं। एंड इसके अंदर आप देख सकते हो, सबसे पहले हमें यहाँ पे बिल देखने को मिल जाएगा और फिर हमारा इसके अंदर आप देख सकते हो ड्यूरासेल का कार चार्जर कुछ इस तरीके के बॉक्स में आता है, जिसके ऊपर आपको ड्यूरासेल का ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। कार चार्जर 65 वॉट, इसके ना तीन वेरिएंट्स आते हैं और ये सबसे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है 65 वॉट का। सबसे फास्ट वाला चार्जर जो है, ये वाला वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा। ये एक पीडी चार्जर है, पीडी मतलब पावर डिलीवरी एक सिस्टम होता है, तो पीडी चार्जर है। आपके सैमसंग के फोन्स हो गए, आपके आईफोन हो गए, ऐसे जो भी फोन जो पीडी चार्ज को सपोर्ट करते हैं ना, उसमें आराम से स्पीड में ये चार्ज करने वाला है। ये BIS अप्रूव्ड है और इसके अंदर आपको 2 साल का वारंटी देखने को मिलता है। बॉक्स के लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको ड्यूरासेल कार चार्जर लिखा हुआ देखने को मिलेगा। गाइस, बॉक्स के राइट साइड पे ना आपको इसका मॉडल नंबर देखने को मिल जाएगा DU053 और इसका MRP मेंशन किया गया है 2999 रुपए, बट आपको आधा भी प्राइस नहीं पड़ेगा। कितना प्राइस पड़ेगा वो वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। ये आप देख सकते हो अगस्त 2023 का मैन्युफैक्चर्ड है, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट प्रोडक्ट है। बॉक्स के पीछे इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, लाइक इसके अंदर आपको स्मार्ट IC देखने को मिलता है, तो जब भी आप इसके अंदर कोई भी डिवाइस को इंसर्ट करोगे ना, ये ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेगा। सेकंड पॉइंट ये है ना, इसके अंदर ना आपको अल्ट्रा चार्जिंग प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है, तो ओवर वोल्टेज, ओवर टेम्परेचर, शॉर्ट सर्किट, ओवर करेंट, इन सब चीजों से बचाता है आपकी डिवाइसेस को। तो आप अगर फोन्स को या फिर लैपटॉप टैबलेट जो भी चार्ज कर रहे हो ना, सेंसिटिव इक्विपमेंट्स जो रहेंगे वो खराब नहीं करने वाला है। इसके अंदर आपको अल्ट्रा चार्जिंग प्रोटेक्शन का फीचर देखने को मिलता है। ये आता है गाइस डुअल पोर्ट के साथ, एक आपको USB A और एक आपको Type-C पोर्ट देखने को मिलेगा। ये मैं आपको जब कार में चार्ज करके दिखाऊंगा ना, तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। इन चार्ज टू डिवाइसेस पैरेलली। अब क्या होता है, बहुत बार आप जो कार चार्जर्स खरीदते हो ना, डिफरेंट ब्रांड्स के जो आते हैं, तो उनके अंदर जब आप चार्ज करोगे ना, तो ऐसा होता है कि वो किसी एक डिवाइस को ज्यादा चार्ज करता है, दूसरे डिवाइस पे थोड़ा कम आउटपुट दे पाता है। लेकिन इसके साथ ड्यूरासेल के 65 वॉट के इस चार्जर के साथ ना, ऐसा कोई भी कंप्लेंट नहीं है। इससे जब आप दो डिवाइसेस चार्ज करोगे ना, तो दोनों डिवाइसेस को ना बिल्कुल पैरेलली चार्ज करने वाला है, कोई भी आगे पीछे नहीं रहेगा, सेम स्पीड में चार्ज होने वाला है। ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा चार्ज करेगा, किसी को कम चार्ज करेगा, वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला इसके अंदर। एंड गाइस, ये जो कार चार्जर है ना, यूनिवर्सली कंपेटेबल है बहुत सारे डिवाइसेस के साथ, लाइक स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, स्मार्ट वॉचेस, पावर बैंक्स, इस तरीके की डिफरेंट चीजों को ना आप अपने कार चार्जर से कनेक्ट करके चार्ज कर पाओगे। इनपुट देख सकते हो, DC 12 टू 24 वोल्ट पे ये वर्क करेगा, यानी कि आपके कार के चार्जिंग स्लॉट पे ये लग के वर्क करने वाला है। यहाँ पे आपको PD आउटपुट मेंशन किया गया है, QC आउटपुट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो पॉज करके पढ़ लेना। तो यहाँ पे सील को कट कर लेते हैं और निकाल लेते हैं चार्जर को बाहर। तो गाइस, यहाँ सील को मैंने कट कर लिया है, तो यहाँ पे एक ट्रे देखने को मिलेगा। इस ट्रे को जैसे आप बाहर निकालोगे ना, तो हमारा चार्जर बाहर आ जाएगा और इसके साथ कोई भी आपको यूजर मैनुअल या फिर आपको डेटा केबल देखने को नहीं मिलता है, चार्जिंग केबल इसके अंदर आपको नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ ये आपका चार्जर आने वाला है। तो इसको निकाल लेते हैं बाहर। तो शुरू करते हैं गाइस इसके फिजिकल ओवरव्यू से। आपको जो ड्यूरासेल का कार चार्जर मिलता है ना, इसका कलर स्कीम ना बिल्कुल ड्यूरासेल के जो बैटरीज आते हैं या अदर प्रोडक्ट्स आते हैं उस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, एक सेल की तरह लगता है। एक सिगरेट कार चार्जर बोला जाता है इनको। और इसका वेट मैं बोलूँ ना, फर्स्ट इंप्रेशन तो काफ़ी लाइट वेट है, 25 to 30 grams के अराउंड इसका वेट होने वाला है। आपको यहाँ पे ड्यूरासेल का ब्रांडिंग मिलेगा, पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ है, और टॉप वाला पार्ट भी आपको यहाँ प्लास्टिक में देखने को मिलेगा और आपको ये ब्रोंज कलर का देखने को मिलने वाला है। साइड्स पे आपको यहाँ पे इसके क्लिप्स मिलते हैं, जो यहाँ पे जाकर के लॉक हो जाते हैं आपके चार्जिंग सॉकेट वाले पॉइंट पे, और फ्रंट पे आपको यहाँ पे ये
स्प्रिंग वाला पॉइंट देखने को मिलता है। तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव ये रहने वाला है, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट होता है और ये इसका नेगेटिव पॉइंट होता है। बैक साइड पर आपको कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे, लाइक इसका आपको मॉडल नंबर, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट कितना देगा, मेड इन इंडिया, ये सारी चीजें मेंशन की गई है जो मैंने आपको बॉक्स पे ऑलरेडी दिखा दिया था। गाइस टॉप पे आ जाएंगे ना, तो टॉप पे आपको दो पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, एक आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है और एक आपको यहाँ पे यूएसबी ए पोर्ट मिलता है। ये टाइप सी पोर्ट जो है ना, ये पीडी पोर्ट है और ये सबसे ज्यादा फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 45 वाट के फास्ट चार्जिंग को ये सपोर्ट करता है। और ये जो आपको यूएसबी ए पोर्ट मिल रहा है, ये 20 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो 45 और 20 टोटल आपका 65 वाट का ये फास्ट चार्जर हो जाता है। गाइस इस कार चार्जर के साथ ना आपको बस ये चार्जर मिलता है, कोई केबल देखने को नहीं मिलता है। मेरे ख्याल से अगर एक केबल दे दिया जाता ना, भले ही छोटा वाला केबल दिया जाता टाइप सी टू टाइप सी, तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि अब ना अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आपको अलग से इसे परचेज करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप 45 वाट पे फास्ट चार्ज करना चाहते हो तो आपको टाइप सी टू टाइप सी ही लगाना पड़ेगा। 20 वाट से सेटिस्फाइड हो तो आप यूएसबी ए स्लॉट में अपने केबल को लगा के चार्ज कर सकते हो। तो सिंपल क्या है ना, आपको यहाँ पे इसको लगा देना है इस वाले पोर्ट पे और ये आपका टाइप सी पोर्ट पे लग जाएगा। उसके बाद आप इसको अपने मोबाइल फोन पे लगा के चार्ज कर सकते हो। तो ये चलो टेस्ट कर लेते हैं कार पे और दिखाता हूँ कि कैसा आपका चार्ज करने वाला है मोबाइल फोन्स के अदर डिवाइसेस को। सो गाइस मैं कार के अंदर आ चुका हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको इसको कनेक्ट करना है। काफी ज्यादा सिंपल है। हर कार के अंदर आपको ना ये 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है, जिसके अंदर ना सिगरेट चार्जर को लगाया जाता है। तो इसके अंदर हमें इस चार्जर को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो चलो इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं गाइस। बड़ा ही सिंपल सा यहाँ पे रहने वाला है, बस इसके अंदर हमें इसे पुश कर देना है। पुश करते ही हमारा इसके अंदर लग जाएगा। कुछ इस तरीके से मैंने पुश कर दिया और गाइस आप देख सकते हो कनेक्ट करने के बाद ना इसके अंदर एक लाइट ब्लिंक कर रहा है। तो अगर आप रात पे यहाँ पे चार्ज पे लगाने वाले हो, केबल इंसर्ट करना है, तो आपको क्लियरली यहाँ पे विजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे ना आपको दो एलईडी लाइट्स इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। इसको लगाते ही यहाँ पे ये ग्लो कर गया, देखो ये बंद हो गया। वापस इंसर्ट करेंगे और इस तरीके से ये जलने लगेगा। तो गाइस मेरे पास ये टाइप सी टू टाइप सी केबल है सैमसंग का, सैमसंग के फोन के साथ जो आता है वो वाला। तो इसको सिंपल सा यहाँ पे मैं इंसर्ट कर दूंगा इसके टाइप सी वाले पोर्ट पे और ये कुछ चला जाएगा इसके अंदर इस तरीके से। और अब जो इसका दूसरा वाला एंड मिलता है ना, इसको अपने फोन पे आपको इंसर्ट कर देना पड़ेगा। आप फोन पे कर सकते हो, TWS, स्मार्ट वॉचेस, टैबलेट्स, सब कुछ चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक TWS है सॉल्ट का और मैं इसको बहुत यूज करता हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ, ये भी टाइप सी सपोर्ट करता है। तो देख सकते हो गाइस मैंने इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया केबल को और ये चार्ज लेना शुरू कर चुका है। यहाँ पे आपको लाइट ब्लिंक होता हुआ नजर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसके अंदर ना मल्टीपल डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हो। तो चलो गाइस अब मैं आपको अपने फोन से चार्जर को कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि क्या ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। ये मेरा पोको M2 Pro मोबाइल फोन है जो 33 वॉट का मैक्सिमम फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो ये जो केबल है ना, सैमसंग वाला केबल है और इससे मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो देखो गाइस चार्ज कनेक्ट के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्विक चार्ज को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि जी हाँ गाइस ये जो आपको DSL का कार चार्जर मिलता है ना, एक सच में काफी अच्छा फास्ट चार्जिंग ये आपको सपोर्ट कर रहा है और काफी क्विकली आपके मोबाइल फोन को चार्ज करने वाला है। अब प्राइसिंग के बारे में बताता हूँ गाइस, इसके बॉक्स पे प्राइस मेंशन है 2999 रुपए, लेकिन इतने का मैंने नहीं लिया है। मैंने इसे Amazon से खरीदा है 1385 रुपए का, 1385 रुपीज का। अभी भी करेंट प्राइसिंग इतना ही है, लेकिन आपको ना सेल पे ऊपर नीचे होता हुआ इसका रेट देखने को मिल जाएगा। तो आप कह सकते हो अंडर 1400 आपको ये एनी डे मिलने वाला है Amazon पर। तो इसके जो बेस्ट बाय लिंक्स है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाकर इसे आप परचेस कर सकते हो। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जरूर लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट करके जरूर बताना आपको ये Duracell का कार चार्जर कैसा लगा। शेयर करना इस वीडियो को सबके साथ, हो जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं इसी तरीके किसी नए वीडियो पे। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।